हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोहित तिवारी फार्मिंग आइडियाज़ में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सारे अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया से हूँ। दरअसल कल शाम में मेरी एक छोटी सी वीडियो आई होगी कि मैं गाय ख़रीदने के लिए आया हूँ। तो दरअसल हुई हो कि फार्म में कुछ बदलाव भी होने वाली है। लगभग कुछ बारिश वगैरह के कारण जो है सो काम स्टार्ट, कंस्ट्रक्शन का काम नाद वगैरह नहीं बनाया गया है। बट आज कुछ लेबर वगैरह का प्रॉब्लम होने के कारण जो है सो वर्क स्टार्ट नहीं किया गया है। बट इसमें नाद वगैरह सारा चीज़ बनाने के बाद में मैं इसी के कारण ब्रेक किया हुआ हूँ गाय। बट अभी गाय पसंद करने गया हूँ, गाय खरीदा ना हूँ। गाय को कुछ गाय हमारे यहाँ से फार्म से मैं भेजने वाला हूँ, कुछ को चेंज करके नई गाय मैं इसमें डालने वाला हूँ चेंजिंग के कारण। और दो गाय मैंने देखा तो दोनों गायों में कुछ प्रॉब्लम थी, इसके कारण जो है सो मैं उस गाय को परचेज़ नहीं कर रहा हूँ। दरअसल और एक जगह है जो वहाँ पे भी मैंने गाय पसंद किया है, वहाँ पे भी कुछ बात ऐसे चल रही है। तो वीडियोज़ वगैरह सारा हमारे मोबाइल पे भेजा गया है उनका, तो उनका भी वीडियो मैं कल या पर आज हो सकता है तो आज मैं वहाँ पे जाऊँगा तो कल आप लोगों के बीच में वो वीडियो साझा करूँगा। और हो सकता है कि वहाँ से मैं दो गाय परचेस करके लेके आऊँगा। यहाँ पर मेरे दो गाय जो देखिए उसकी विशेषताएँ पहले देख लें, उसके बाद में आगे वीडियो पर देखें और समझ लें कि वीडियो में क्या मैं बताना चाहता हूँ और क्या प्रॉब्लम है इस दोनों गायों में। तो दूध तो बढ़िया है बल्कि, लेकिन थोड़ा सा समस्या है तो उस चीज़ में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। पहले वीडियो को पूरा देखें समझें, उसके बाद में हम लोग जानकारी मैं देता हूँ और क्या कारण है उस गाय में। तो उस विशेषता पर आप लोग वीडियो पर देखें। उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं वीडियो में, उस वीडियो को देखें। मैं ज़्यादा से नहीं तो लगभग 30-32 सेकंड का वीडियो मैं उसका बनाया हूँ। तो गायों को देखें आप लोग समझें, उसके बाद से मैं आगे की प्रक्रिया के बारे में बात करता हूँ। तो चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये रेड वाली गाय है, इसकी भी लगभग दूध उत्पादन जो लगभग सुबह शाम मिला के 14-16 ऐसे ही रहता है दूध, इन्होंने जिस तरह से बताया उस तरह से। और इसकी मिल्किंग हो रही है बट इसमें भी थोड़ी सी समस्या है थन में। और ये जो है सो फिर ब्लैक वाली है, ब्लैक वाली भी लगभग 22 लीटर दिन का सुबह शाम मिला के करती है, लेकिन इसका भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है थन में, जिसके कारण मैं भी चाहता हूँ कि जो भी गाय हमारे पास में आए तो उसका जो है सो मिल्किंग करने में एकदम थोड़ी सी भी समस्या ना हो, आराम से खाना वगैरह खा ले और मिल्किंग करने में कोई भी समस्या ना। पीछे का थन में जो है सो थोड़ा सा ब्रेक करके दूध आता है, इसी के कारण जो है सो दोनों गाय को मुझे पसंद नहीं आई, कारण यही है ये गाय नहीं लाने का। तो रेट वगैरह का तो समस्या नहीं था, ठीक ही था, दोनों सेकंड लैक्टेशन की गाय है, दोनों गाय ठीक है, बट थोड़ी सी थन में प्रॉब्लम जिसके कारण मुझे लाना है दूध, के दूध मुझे चाहिए और दूध अगर सही से मिल्किंग नहीं होगी तो मुझे पसंद ये नहीं आई। तो और एक जगह मैं गाय देखा हूँ, उसका तीन गाय है, उसमें से सेलेक्ट करके दो गाय मुझे लाना है। तो यही बात है, तो आप लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों कि ये डिसीजन मेरा सही रहा कि गलत रहा। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा, एक रेड वाली गाय थी जो लगभग मैं एक गाय मैंने परचेज किया था वहां पे जो उस साइड में है, तो वहां पे भी थी, तो उस टाइम भी वो गाय थी। बट उनका कहना है कि नहीं नई गाय आई हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि ये नई गाय है। बट दोनों गायों में समस्या ये है दोस्तों कि दोनों के थन में जो है सो एक बांट में प्रॉब्लम है और एक बांट का दूध जो है सो रुक के आता है, ब्लैक वाली गाय के जो पीछे वाला बांट थन में है जो है सो दूध ब्रेक करके आता है, जो रेड वाली गाय है उसका दूध जो है सो कभी मतलब पूरा एकदम धारदार जो है सो प्रेशर से सही मात्रा में दूध नहीं आ पाता। तो उस प्रॉब्लम में प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है, थोड़े से इलाज वगैरह होम्योपैथिक इलाज करने से ठीक हो जाता है। बट मैं चाहता हूँ कि अब जो भी गाय मैं लाऊँ तो उसमें ज़्यादा समस्या ना हो, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इस तरह से मुझे गाय लेनी है कि जिस तरह से मतलब कि एक सही मात्रा में सही टाइम से जो है सो मिल्किंग हो जाए और सही टाइम पर जो है सो दूध दुहाए वगैरह खाना वगैरह अच्छी तरीके से खा ले, तो उस तरह से मैं गाय वगैरह परचेस करना चाहता हूँ। तो आई होप कि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच में जो सो हमारी जैसे नाद वगैरह कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे यहाँ पर 3 से 4 गाय परचेज होकर नई गाय आ जाएगी। कुछ मैं जैसे छोटी बच्चियाँ हैं और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसको मैं सेल कर रहा हूँ। दरअसल यूँ है कि बरसात के टाइम पे क्या होती है कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा वायरल होने की मतलब बीमारियाँ जो है सो बैक्टीरियल प्रॉब्लम होती है, वायरस आने की समस्या जो है सो बहुत ज़्यादा बढ़ती है।
जिसके कारण जो है सो इस चीज़ के छोटे छोटे जो पशु होते हैं उसको निकालने का मैं ये कर रहा हूँ। हमेशा बरसात में मैं ये चीज़ करता हूँ कि जो भी मतलब एक्स्ट्रा जो लोड होता है उसको मैं हल्का करता हूँ। दरअसल ये नहीं है कि मैं पालता नहीं हूँ, बछिया भी तैयार करता हूँ। साल में मेरी टारगेट है कि 2 बछिया तैयार करना रहता है। तो यहाँ देखें दोस्तों, ये कुछ बछियाँ हैं, ये दोनों बछड़े हैं और एक ये है और एक वहाँ पे बैठी है वो जो सामने में। ये दोनों बछिया तो एक जगह जाएगी, बट ये दोनों बछड़े जो है सो एक जिनके पास में जाएंगे, जो किसान है वो ले रहे हैं। तो हमारे पास में बचेंगी बस ये बछिया और एक वो और ये एक। इसको तो मैं किसी को दे नहीं सकता हूँ क्योंकि ये आँख से देख नहीं सकती है और बहुत ही इमोशन जुड़ा हुआ है। इसके स्टार्टिंग से पहली बछिया है हमारी, यहीं पे पैदा हुई थी फर्स्ट बछिया, बट फर्स्ट बछिया हमारे तो वहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। तो इस जगह में जो है सो देख सकते हैं जहाँ पे बछिया है, तो वहाँ पे नाद वगैरह कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ से लेके वहाँ तक लगभग 15 से 17 गाय आराम से रह सकती है, एकदम नो टेंशन फ्री होके। तो कोई भी समस्या नहीं रहेगी, आराम से मतलब थोड़ा सा जगह में जो भी कंजेस्टेड हो रहा है वो चीज़ की समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो गाय जो है सो लगभग आपका 5 तारीख तक हमारे फार्म पे जो है सो देखने को मिलेगा। दरअसल मैं अभी पसंद करने के टाइम पे मैं जस्ट बुक करके रख रहा हूँ कि अगर जैसे भी वो आ जाती है हमारे फार्म पे, तो ऐसे एडजस्टेबल जगह नहीं होता। आज तो काम वर्क स्टार्ट हो जाना चाहिए था, बट कुछ लेबर का प्रॉब्लम होने से नहीं आने के कारण जो है सो वो काम स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। बट कल से काम स्टार्ट वगैरह हो जाए तो लगभग 2 से 4 दिन लगेगा, काम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद से कुछ ऐसे चीज़ है जो अपडेट करने के बाद में गाय हमारे पास में आ जाएगी। तो ये गाय का सुधार जो है सो काफ़ी बढ़िया है, इस गाय में भी चेंजिंग हुई है, लगभग दूध में भी उत्पादन हो रही है ज़्यादा, ठीक ठाक दूध भी मतलब धीरे धीरे आने लगा है, बॉडी में भी चेंज धीरे धीरे होने लगा है, खाना वगैरह भी अच्छे तरीके से खाने लगी है। तो यहाँ पे जैसे अपडेट होती है इसको भी उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि आज की चेंजिंग किस तरह से है। जस्ट चैलेंज है, मैंने आपको बताया था वीडियो में एक चैलेंज की तरह मैं इस वीडियो गाय को लाया हूँ, तो उस चीज़ को एक्सपीरियंस के साथ में चैलेंज भी एक्सेप्ट करना चाहिए कभी कभी, बिजनेस पर्पस में एक्सपीरियंस ऐसा लेना चाहिए। तो यही है दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देखा, गाय अगर आप लोगों को देखा तो यही समस्या है, उस गाय को कारण जो है सो डिनाई कर दिया गया है, तो वहाँ पर ये गाय नहीं आएगी हमारे फार्म पर। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे। इसी तरह की मज़ेदार वीडियो लेकर मैं आता रहूँगा, आप लोग मेरे चैनल पर और भी ज़्यादा सपोर्ट करें और भी ज़्यादा प्यार दें, बनाएं 2K जैसे। हम मुझे लगता है कि सब्सक्राइबर भी लगभग 2K बेस में बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद से जो है सो गाय भी हमारे फार्म पर आ जाएगी।